सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आप एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो तो मैं यहां पर रिकमेंड करूंगा एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बेनिफिट्स है यहां पर, तो मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा और इनके बेनिफिट्स क्या है वो भी बताऊंगा, और आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो कि नहीं उसका भी मैं यहाँ पर डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप मेरी चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्लाई कर सके और इसका बेनिफिट ले सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट का जो एप्लीकेशन है उनको ओपन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर एक सर्च बार में टाइप करना है यहाँ पर क्रेडिट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले। जैसे आप क्रेडिट लिखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो देखो ये वाला ऑप्शन दोस्तों अगर आपको नहीं शो हो रहा है तो एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, इसको हम बैक कर देते हैं। नीचे देखो बहुत से ऑप्शंस है, वहाँ पर नीचे आपको जाना है अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन मिल जाएगा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों पोर्टल ओपन हो चुका है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का। यहाँ पर मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ इस कार्ड के। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो जो पहला बड़ा बेनिफिट है वो है अप टू 5% अनलिमिटेड कैशबैक। आप जितना भी फ्लिपकार्ट से परचेज करोगे, जितना भी फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन आप पेमेंट करोगे, उतनी बार हर बार आपको 5% कैशबैक इंस्टेंट ही मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा बेनिफिट है ₹1100 का वेलकम बेनिफिट्स आपको मिलेगा। अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको लॉन्च बेनिफिट भी यहाँ पर मिल सकता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर नीचे और भी कुछ बेनिफिट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ फ्लिपकार्ट में ही नहीं, लेकिन अगर मिंत्रा से भी आप कुछ भी परचेस करते हो तो वहाँ पर भी आपको 5% कैशबैक मिलता है दोस्तों। इसके साथ साथ 4% फ्लैट कैशबैक यहाँ पर स्विगी, क्योरफिट, PVR, उबर, टाटा स्काई, क्लियर ट्रिप, इस पर आपको 4% कैशबैक मिलेगा। और इसके साथ फ्लैट 1.5% कैशबैक जब भी आप अपना फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड स्वाइप करोगे तब आपको मिलेगा दोस्तों। जितना भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप पेमेंट करोगे तो आपको 1.5% उसका भी कैशबैक मिलेगा दोस्तों। तो एलिजिबल कौन कौन है दोस्तों मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। तो एलिजिबल यहां पर अगर आप सैलराइड पर्सन हो तो आपकी 15,000 से या फिर उससे ज़्यादा आपकी इनकम होनी चाहिए, आपकी सैलरी होनी चाहिए। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी 30,000 या फिर उससे ज़्यादा की इनकम होनी चाहिए दोस्तों। तो अभी अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के भी दो तरीके हैं, आप फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हो। तो मैं पहली बार यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं फ्लिपकार्ट में देखो मुझे अब यहां पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं। सबसे पहले देखो ये अभी सर्च हो रहा है दोस्तों और यहां पर आ चुका है सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो अब क्या करें दोस्तों, आपको अगर अप्लाई ही करना है लेकिन यहां पर आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिली है, आप एलिजिबल नहीं हो, तो दोस्तों दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप टेंशन मत लो। तो यहां पर आपको क्या करना है, गूगल में जाना है। तो गूगल में हम आ चुके हैं, यहाँ पर हमें सर्च करना है अप्लाई फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पर जो पहला लिंक शो हो रहा है दोस्तों अप्लाई एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर सीधा इस पोर्टल पर आ सकते हो। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी देखो आ चुका है डिटेल्स और पहला जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि आर यू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ एक्सिस बैंक, क्या आपका ऑलरेडी एक्सिस बैंक में अकाउंट है, आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हो, अगर हो तो यहाँ पर यस पे क्लिक कर दो, अगर नहीं हो तो यहाँ पर नो पे क्लिक कर दो। तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ, मैं नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको अपना पैन नंबर डालना है, अपना पिन कोड डाल देना है और अपनी जो नेट एनुअल इनकम आपकी साल की इनकम कितनी हो यहाँ पर आपको फिलअप करना है और नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आप ये वाले पोर्टल पर आ जाओगे दोस्तों। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो नेम एज पर आधार, तो आपके आधार कार्ड में जैसे नेम है वैसे यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, नीचे अपना टाइटल सिलेक्ट कर लेना है, मिस्टर मिसिस जो भी हो आप अप्लाई कर रहे हो जो भी हो, उसका जेंडर यहाँ पर आपको डाल देना है, जैसे आपके पैन कार्ड में नेम है वैसे नेम यहाँ पर आपको डाल देना है, आपके मदर का नेम यहाँ पर फिलअप करना है, अब नेम और लास्ट नेम दोनों, आपके फादर का नेम और लास्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपका सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको एंटर रेसिडेंट एड्रेस, आप जहाँ पर भी रहते हो उसका एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक एड्रेस का पोर्टल ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप अपना एड्रेस डाल के नीचे अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपका एड्रेस है वो सेव हो जाएगा। तो वैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर अपने ऑफिस का एड्रेस भी डालना है, तो ऑफिस के एड्रेस पे जैसे क्लिक करोगे तो एड्रेस यहाँ पर ओपन फिर से हो जाएगा और यहाँ पर एड्रेस फिलअप करके आपको अपडेट पे क्लिक करना है। और अभी नीचे एक और ऑप्शन पूछ रहा है कि आप अपना जो कार्ड है वो कहाँ पर रिसीव करना चाहते हो, अपने ऑफिस के एड्रेस पर या फिर अपने घर के पते पर, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है आप कहाँ पर चाहते हो कार्ड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है और ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो अगर आप सैलराइड पर्सन हो तो यहाँ पर सैलरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, और अगर आप एक अपना खुद का बिजनेस आपके पास है तो यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करना है। मैं सैलराइड हूँ तो मैं यहाँ पर सैलराइड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। तो दोस्तों डिटेल्स आ चुकी है, यहाँ पर एनुअल इनकम मैंने फिलअप की थी इसलिए ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप हो चुके हैं। अभी जो नीचे ऑप्शन है एम्प्लॉयर सेक्टर, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, पार्टनरशिप फर्म है या फिर गवर्नमेंट है, मल्टीनेशनल है, तो यहाँ पर ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सोर्स ऑफ फंड, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सैलरी सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ इंडस्ट्री, तो आपकी जो कंपनी है वो किस प्रकार का वर्क कर रही है, वो कौन सा वर्क कर रही है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैन्युफैक्चरर है, बैंकिंग है, एडवर्टाइजर मल्टीमीडिया है, इंश्योरेंस है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ पहला ऑप्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कंपनी का नेम फिलअप कर देना है और उसके बाद ट्यूनर इन करंट जॉब, तो आप कितने साल से यहाँ पर जॉब कर रहे हो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट योर कार्ड, आपको कार्ड सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमें चाहिए फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर देखो स्वाइप का बटन एक दिया गया है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है जब तक आपका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं आ जाता। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ओके। और दोस्तों देखो आ चुका है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए था, एक बार इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ऊपर स्क्रॉल करना है, नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखो जनरेट ओटीपी, वेट, तो यहाँ पर देखो ओटीपी हमारा जनरेट हो चुका है और एसएमएस थ्रू आएगा। तो देखो ओटीपी मुझे एसएमएस थ्रू आ चुका है तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो दोस्तों ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस ओपन होगी तो इसको आपको रीड कर लेना है और नीचे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे देखो एक और ऑप्शन शो हो रहा है, ये वाला ऑप्शन। तो अगर दोस्तों आपकी हेल्प किसी एक्सिस बैंक या फिर किसी बैंक वाले ने की है तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर यहां पर आपको डाल देना है, या फिर आपको उनका स्टाफ एम्प्लॉयमेंट नंबर यहां पर डाल देना है एक्सिस बैंक के थ्रू, अगर आपने ये करवाया है किसी एम्प्लॉय के थ्रू। ठीक है, अगर आपने खुद किया है तो यहां पर कोई डिटेल्स फिलअप नहीं करनी है, सीधा आपको यहां पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपका अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही ईजी है अप्लाई करना दोस्तों, आप खुद ही अपने आप से ही अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा जितनी हो सके उतनी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस क्रेडिट कार्ड का जो बेनिफिट है वो मिल सके। और मेरी चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।